हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने गुड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप आईडी को परमानेंटली डिलीट करने के बारे में। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने अपने गुड ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप आईडी को डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपके व्हाट्सएप को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको सिंपली थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे की ओर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर की ओर अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली उसे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको सबसे नीचे की ओर दिख रहा है डिलीट माय अकाउंट, आपको सिंपली उसे प्रेस करना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे की ओर आपको एक फोन नंबर फिल करना है, जो कि आपका करंट व्हाट्सएप नंबर होगा। आपको वो डालने के बाद आपको सिंपली सबसे नीचे की ओर डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली उसे प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप ऊपर की तरफ दिख रहे इन्फॉर्मेशन को फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली डिलीट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से डिलीट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। फ्रेंड, इसके बाद आपके डिस्प्ले पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका अकाउंट डिलीट हो गया है। यदि आप इसी नंबर से व्हाट्सएप को दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर से आईडी बनाकर अपने व्हाट्सएप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी यूट्यूब पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।